यानी तैयारी नहीं करी है, देश के सारे कार्यकर्ताओं सभी नेताओं ने तैयारी करी है, पर अचानक कल शाम को हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश आने पर सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई देखिए, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने हमें बुलाया है, हम आम आदमी की तरह कोर्ट में जाएंगे, किसी भी तरह का तमाशा नहीं करेंगे, पर हम तो कार्यकर्ता है ना, हम उनकी बात को मानेंगे। और अपना जो विरोध है, अपना जो हताशपन है, जो हमें एक मौका मिला था वफादारी दिखाने का, उसको अपने घर में हम बैठे हैं और यहीं से अपना विरोध जताते हैं कि इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हम लोग वो लोग हैं जो कोर्ट का और कानून का सम्मान करते हैं। हमारे ही टाइम में, हमारे यूपी के टाइम में ही गोधरा कांड को और जासूसी कांड को क्लीन चिट मिली थी, नेशनल हेरल्ड को भी मिली थी, तो हमने तो आज तक उनका विरोध नहीं करा। पर यह बदले की भावना से राजनीति हो रही है, ये संसद से सड़क तक बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अभी हम अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हमारी अध्यक्ष जैसे हम आदेश देगी, अगर वो कहीं घर में बैठो तो हम घर में बैठे ही रहेंगे। और वैसे तो सही बात है, पूरे देश में कार्यकर्ता हताश और हर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सब में जोश है। इस तरह की सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा साहब को अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और वो लोग इतिहास खत्म करने की बात करते हैं, समय आने पर उन्हीं का इतिहास खत्म हो जाता है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है।